नमस्कार, अल्पसंख्यक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकिता, आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे। भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के कार्यान्वयन हेतु नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के संबंध में प्रयागराज संघीय समिति प्रयागराज में विंध्याचल मंडल के शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अतिथि श्री नंद गोपाल नंदी द्वारा कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण वक्ता व हज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से क्राइम रिपोर्टर रोहित शर्मा की रिपोर्ट। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उन सारी योजनाओं पे खरी उतर रही है। और आपने भी मंच पर देखा, मैंने कहा कि अगर सबको मिल रहा है तो ताली बजाए कैसे, लोगों ने ताली बजाए। तो हमारी सरकार बिना जात धर्म मजहब के भेदभाव के सबके कल्याण में लगी हुई है। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास की रोशनी कैसे पहुंचे, आप प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं तो वो कहते हैं मैं 125 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनते हैं तो वो कहते हैं कि प्रदेश में रहने वाले 30 करोड़ 24 करोड़ लोगों के बारे में काम करना है। और जिस तेजी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। हमारा विभाग, हमारे विभाग के अधिकारीगण आज कार्यशाला का जो आयोजन किया है, इसमें छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में कठिनाई ना हो, जो भी इसके कोऑर्डिनेटर हैं, जो भी इसके नोडल अफसर हैं, उनको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है जो उनकी समस्या है। तो आदान प्रदान दोनों लोग बैठ करके वन वे नहीं, तो दोनों लोग बैठ के तुरंत समाधान करेंगे। तो हमारे जो मेधावी छात्र हैं, कभी पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई आगे की छूट जाती है, वो सब ना हो। और अल्पसंख्यक कल्याण में, अल्पसंख्यक में सिख, ईसाई, मुस्लिम भाई बहन, बौद्ध और जैन, सभी पारसी, सभी लोगों